हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन सिंह और सुमन किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बाकले की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 250 ग्राम बाकला लिया हुआ है। इसे अच्छा से हमने धो लिया है और सुखा लिया है। तो चलिए इसे हम बताते हैं कैसे कट करना है। सबसे पहले हम इस बाकले को इस तरीके से लेंगे और इसके साइड का जो रेशे होते हैं उसे हम निकाल लेंगे दोनों साइडों से इस तरीके से। और इसी तरीके से सारे बकले का रेशा हमें निकाल लेना है ऐसे। और चलिए इसे कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया है और इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो दो भाग में भी इसे कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बकले के रेशे निकाल के और कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब पहले से हमने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे हमने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल। और गर्म होने के बाद 2 से 3 पिंच यहाँ पर हमने हींग डाला है, 1/2 टेबल स्पून जीरा। और इसे फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 5 से 7 लहसुन की कलियां। यहाँ पे आप लहसुन का पेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसे थोड़ा सा भुनने के बाद बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। ये 2 बड़े साइज़ के आलू इस तरीके से धोकर छिलकर हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे आलू हमने ऐड किया है, 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। इसे भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ बकले को और इसे भी 1.5 मिनट तक हमें भून लेना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने 1.5 मिनट तक भून लिया है। तो चलिए इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर हम 1 चम्मच डालेंगे धनिया और जीरा पाउडर, ये दोनों मिक्स है। उसके बाद से 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च है तो अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालें। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाला है मैंने, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और इसे हम 1 मिनट तक मसालों को हम लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने भून लिया है। तो चलिए इसमें अब पानी ऐड कर देती हूँ। अच्छा से भुन चुका है मसाला, तो 1/2 कप हमने पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छा से मिक्स करके हम कवर कर देंगे, सब्जी को ढक देंगे। और ढककर हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट पकाना है, फिर उसके बाद हमें चेक करना है। तो चलिए 3 मिनट बाद इसे चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी कम से कम 80% कुक हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ध्यान रखना है कि पहले ऐड नहीं करना है, नहीं तो आलू जो सब्जी हमारी है वो गलेगी नहीं। इसलिए 80 से 85% कुक होने के बाद हमें टमाटर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करके फिर हम कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छा से पक जाए। यदि सब्जी आप कुकर में बना रहे हैं तो मसालों के साथ ही टमाटर ऐड कर दें। कढ़ाई में बना रहे हैं तो 80 से 85% कुक होने के बाद टमाटर ऐड करें। तो चलिए 2 से 3 मिनट बाद फिर हमने टमाटर डालने के बाद चेक करना है सब्जी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7 मिनट लगे हैं और सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए आलू को चेक करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कट हो गया है। तो सब्जी हो चुका है। अब यहाँ पर हम गर्म मसाले 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 मिनट गरम मसाले को हम पका लेंगे, उसके बाद से गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पे सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। इसे गर्मा गर्म पूड़ी पराठा
या चावल जब आप बना रहे हैं चावल दाल लंच में, उस टाइम भी आप सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। थैंक यू।